सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्या इस्लाम में मजा जायज है? मजा बिल्कुल जायज है। बुखारी सही बुखारी में हदीस है कि एक सहाबी थे जो नबी इस्लाम को हंसाया करते थे, लेकिन शराब भी पिया करते थे, फिर कोड़े भी लगते थे, फिर हुजूर की मजलिस में आते थे। दो तीन दफा ऐसे हुआ तो बाद सहाबा ने कहा अल्लाह की लानत हो इस पर, नबी इस्लाम की मौजूदगी में ये कुछ करता है ये। तो नबी इस्लाम ने फरमाया लानत ना भेजो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। गुनाह अपनी जगह है, नेकी अपनी जगह है। तो उसमें अल्फाज हैं कि वो शख्स नबी इस्लाम को हंसाया करता था, आप इस्लाम खुद भी मजाक फरमाया करते थे। मिशकात में आपको दूसरी या तीसरी जिल्द में मजाक के बयान में वो सारी हदीसें मिल जाएंगी, वो आप पढ़ लें, ठीक है। बाकी ये जो कुछ उलमा आजकल कर रहे हैं ना असाने के लिए और गंदे लतीफे मिम्बरों के ऊपर सुना रहे हैं, ये बिल्कुल आराम है। वो मजाक भी किसी लेवल का होना चाहिए, ठीक हो गया जी। उज़्वे खास को कपड़े के बाहर छूने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स शर्मगाह को डायरेक्ट छुए उसका वजू टूट जाएगा और जो कपड़े हायल होने से छुए तो नहीं टूटेगा। मसला 42 में मैंने बताया। क्या मुक्तदी को समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ना जायज है? जायज है, यह भी साबित है। दोनों तरीके दुरुस्त हैं, यह बेहतर है। हम तो पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जाहरन पढ़ना भी हजरत अबू हुरैरा से साबित है, लेकिन बाल लोगों ने जैसे जमातुल मुस्लिमीन वालों ने रूटीन बनाई है कि वो हमेशा ही जारन पढ़ते हैं, ये गलत है। वो तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने, हमेशा तो जारन नहीं है, वो तो कभी कभार है। वो तो नबी इस्लाम ने जोर असर में भी कभी कभार बुलंद आवाज से भी किरात की है, तो वो तो कोई नहीं करते हैं ये। और इसकी वजह से बाज़ुकात इनको मस्जिदों से भी निकाला जाता है कि इन्होंने रूटीन बनाई हुई है एक ऐसे जहरी काम की जो उमूमी सुन्नत ही नहीं है। जारन आमीन कहना जहरी नमाजों में वो उमूमी सुन्नत है। क्या फजाइल माल का रुतबा सही मुस्लिम और बुखारी से अफजल है? क्योंकि अनवी भाइयों का कहना